अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम फ्रॉम सेंट्रल पब्लिक हाई स्कूल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इस्लामियात लेवल टू। दिस इज़ योर बुक ऑफ इस्लामियात लेवल टू एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बाब पंजम सबक नंबर तीन। सबक नंबर तीन क्या है बाब पंजम का, मतलब चैप्टर फाइव, यूनिट फाइव है, और चैप्टर थ्री है अल्लाह देख रहा है। जी प्यारे बच्चों, आपके चैप्टर का नेम क्या है? अल्लाह देख रहा है। ये आपकी बुक के पेज नंबर 45 और 46 के ऊपर है। नाउ स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एंड आई एम डूइंग रीडिंग। यू लिसन दिस वीडियो एंड नाउ आफ्टर लिसनिंग स्टार्ट द रीडिंग बाय हिमसेल्फ। ओके, अल्लाह देख रहा है कि एक आयत सूरत बकरा के बारे में, सूरत बकरा में एक आयत है इस सबक के बारे में कि तुम जो कुछ करते हो सब अल्लाह की नज़र में है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया, अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक व मालिक है। इसलिए अगर हम वालदैन से छुपकर, बहन भाइयों से छुपकर, बड़ों से छुपकर कोई भी काम कर लें तो इसमें बेशक वो हमारे इस काम को ना देखें, लेकिन कौन देखता है? अल्लाह ताला देख रहा होता है। इसलिए हमें हर वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई देखे या ना देखे, हमें अल्लाह ताला देख रहा है अगर हम गलत काम कर रहे हैं और या अगर हम सही काम कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, अल्लाह देख रहा है। ओके, रीडिंग पेज नंबर है 45 to 46, डे वन। आज हमने रीडिंग करनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? रीडिंग करते हैं, और रीडिंग करेंगे हम अल्लाह देख रहा है। नाउ ओपन योर बुक पेज 45। खालिद और आमिर, इस सबक में दो बच्चे हैं, खालिद और आमिर बहुत अच्छे दोस्त थे। वो हर रोज एक बाग से गुजरते थे। एक दिन वो स्कूल से घर जा रहे थे कि उन्हें बाग में एक बड़ा सा सेब का दरख्त नजर आया जिसमें सेब लटक रहे थे। लाल लाल ताज़ा सेब देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। बच्चों के मुंह में पानी आना कि बच्चों की ख्वाहिश हुई कि काश हम ये सेब जो है हमें मिल जाए, हम इन सेब को क्या कर लें, खा लें। आमिर का तो दिल इतना ललचाया, ललचाया मतलब तलब होना, किसी चीज़ की हद से ज़्यादा तलब होना, कि वो सोचे समझे बगैर ही दरख्त पर चढ़ गया। खालिद चीखा, आमिर आमिर जल्दी नीचे उतरो, तुम्हें कोई देख रहा है। आमिर ने कहा, क्यों मजाक कर रहे हो, मुझे तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। आमिर दरख्त पर चढ़ता ही गया और खालिद चीख चीख कर उसे नीचे बुलाता रहा। आखिरकार आमिर नीचे उतर कर आया और नाराज होकर बोला, ये तुम क्या कहे जा रहे हो, चारों तरफ देखो कोई भी तो आसपास नजर नहीं आ रहा। खालिद आमिर का बहुत अच्छा दोस्त था, कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह ताला हमें हर वक्त देख रहा होता है। तो प्यारे बच्चों, क्या समझ में आया कि अगर हम छुपकर अपने वालदैन से, अपने बड़ों से, अपने बहन भाइयों से कोई भी काम कर लें, लेकिन एक ऐसी ज़ात है इस कायनात के अंदर जो हमें देख रही होती है, और वो ज़ात कौन है? वो अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला हमें देख रहा होता है। यहाँ भी अपने को अकेला ना समझो, तुम्हें अल्लाह देख रहा है। बगैर इजाज़त सेब तोड़ना गुनाह है। ना सिर्फ बगैर इजाज़त सेब तोड़ना गुनाह है, बल्कि किसी की चीज़ भी उठा लेना बगैर इजाज़त क्या है? गुनाह है। समझ में आया प्यारे बच्चों कि अगर हम किसी की चीज़ बगैर पूछे उठा लेंगे, या चोरी छुप के जो है किसी की भी चीज़ चुरा लेंगे, तो अगर हमें कोई देखे ना देखे, हमें अल्लाह ताला देख रहा होता है, और अल्लाह ताला फिर हमें क्या देता है? अल्लाह ताला हमें गुनाह देता है। इज दैट क्लियर? आपको समझ में आया इस सबक का मतलब क्या था? आमिर ने मुस्कुराकर कहा, मेरे दोस्त तुम सच बोल रहे हो, तुमने मुझे इस गुनाह से बचा लिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। ये सुनकर खालिद मुस्कराया। अभी दोनों बाग से निकल ही रहे थे कि बाग का मालिक आ गया। पूछा, बच्चों क्या तुम्हें ताज़ा सेब खाने हैं? खालिद ने कहा, सुभान अल्लाह, बिल्कुल, हम तो ज़रूर खाएंगे। बच्चों, इस तरह बुराई से बचने को तकवा कहते हैं। बाग के मालिक ने इन दोनों को बहुत सारे
सेब दिए। तो प्यारे बच्चों देखा अच्छाई का क्या नतीजा हुआ कि जब उनको इस बात की फिक्र होने लगी कि कोई देखे या ना देखे, हमें अल्लाह ताला तो देख रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो सेब वहीं छोड़ दिया। अब जो बाग का मालिक आया तो अल्लाह ताला की तरफ से बाग के मालिक ने उन्हें क्या दिया, इनाम दिया वो सेब, ताकि वो उस सेब को खाकर क्या हो जाएं, खुश हो जाएं। तो जब भी हम कोई काम अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक करते हैं तो अल्लाह ताला हमसे खुश होता है और अल्लाह ताला हमें उसका इनाम देता है।